हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। फ्रेंड, आज से मैं एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। इस सीरीज़ में मैं करीब 50 वीडियोस बनाऊंगा और हर एक वीडियो में मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे टिप्स बताऊंगा रिलेटिंग टू माउथ ऑर्गन, जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे एक अच्छे माउथ ऑर्गन प्लेयर बनने में, अपने टेक्निक्स को और बेहतर बनाने में और अपने माउथ ऑर्गन प्लेइंग को और अच्छा करने में। तो जैसा मैंने बताया, मैं 50 वीडियोज़ बनाऊँगा और हर एक वीडियो में आपको अच्छे अच्छे टिप्स मिलेंगे, ठीक है। तो आज पहला टिप्स आपको देता हूँ, जिनके पास फ्रेंड्स ये स्लाइडर वाला माउथ ऑर्गन होता है, जिनके पास स्लाइडर वाला माउथ ऑर्गन है और जो इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि ये जो स्लाइडर है, अगर आप 2-3 दिन यूज़ नहीं करते हैं तो ये जैम हो जाता है, यहीं पे फिक्स हो जाता है, फिर इसे मूव करने में बहुत आपको तकलीफ़ होती होगी, ठीक है। तो ऐसा ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, अगर आप 2-3 दिन माउथ ऑर्गन नहीं बजाते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, तो ये आपका स्लाइडर जैम हो जाएगा और फिर इसे मूव करना बहुत ही कठिन हो जाता है, और कभी कभी जब आप ज़्यादा फोर्स लगाएं तो ये टूटने का भी चांस रहता है, अंदर जो स्प्रिंग है वो भी टूटने का चांस रहता है, ठीक है। तो अंदर अंदर कभी कभी स्प्रिंग होता है, कभी कभी एक लोहे का एक छोटा सा पिन टाइप बना होता है जो कि वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैं आज ये टिप्स बताऊंगा कैसे आप इस प्रॉब्लम से अपने आप को दूर रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम का मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा और इसके साथ और एक प्रॉब्लम जो कि रिलेटेड है इसके साथ। अभी देखिए, विंटर सीज़न आ रहा है, दिसंबर जनवरी में बहुत ठंड पड़ती है और विंटर सीज़न में माउथ ऑर्गन बजाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपके होंठ ड्राई हो जाते हैं, छिल जाते हैं कभी कभी बजाते वक्त, और दर्द भी होता है और फिर स्लाइड भी नहीं करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो ये दो प्रॉब्लम का आज मैं आपको सलूशन दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल टिप्स दूंगा जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो पहला वाला प्रॉब्लम जो है, ये जो स्लाइडर आपका जैम हो जाता है, ठीक है, इससे बचने के लिए क्या करना है आपको, माउथ ऑर्गन बजाने के बाद आप एक वेसलिन लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये वेसलिन है, ठीक है, या कोई भी लिप क्रीम आप ले सकते हैं, ठीक है, आप लिप पे जो क्रीम लगाते हैं, ठीक है, आप ले सकते हैं, बोरोलिन ले सकते हैं, मैं तो वेसलिन यूज़ करता हूँ, आप थोड़ा सा वेसलिन ले लीजिए, ठीक है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इसे लेकर आपको यहाँ पे ये जो स्लाइडर का ये पोर्शन है, यहाँ पे आपको लगा देना है, ठीक है, यहाँ पे लगा के हल्का सा थोड़ा सा, और इस तरफ और फिर पीछे की तरफ भी, यहाँ पीछे की तरफ भी आप लगा दीजिए। लगाने के बाद आप 2-3 बार इस तरह से इसको स्लाइड कर दीजिए, ठीक है। अगर बजाने के बाद इस तरह से आप कर देंगे तो आपका, अगर 3-4 दिन आप माउथ ऑर्गन नहीं भी बजाएंगे तो ये आपका जैम नहीं होगा, ये हमेशा स्मूथ बना रहेगा। और रेगुलर इसे आप थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, बस हल्का सा यूज़ करेंगे रेगुलर, तो आपका स्लाइडर भी बहुत ही अच्छा काम करेगा, क्योंकि स्लाइडर अच्छा काम करेगा तो आपको बजाने में बहुत ही ईजी होगी और आपके माउथ ऑर्गन जो प्लेइंग है वो भी बहुत ही बेहतर होगा। तो ये तो हो गया, ये स्लाइडर जैम होने का प्रॉब्लम किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और विंटर सीज़न आ रहा है, जैसे मैंने बताया, आपको यही वेसलिन लेना है और अपने बजाने के पहले आपको अपने लिप्स पे, ठीक है, इस तरह से आपको लगा लेना है, और फिर आपको थोड़ा सा वेसलिन लेकर माउथ ऑर्गन के ये पोर्शन में, ठीक है, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपको थोड़ा सा लगाना है, जहाँ पे आपको लिप्स मूव होती है, और फिर ये नीचे पोर्शन भी आप थोड़ा सा वेसलिन लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब जब आप बजाएंगे, देखिए आपका बहुत अच्छा स्लाइड करेगा, और जितना अच्छा स्लाइड करेगा उतना आपका प्लेइंग बेहतर होगा, क्योंकि जब आपको एक होल से, समझ लीजिए होल नंबर 8 से आपको मूव करना है होल नंबर 16 में, बहुत ही फास्ट आपको मूव करना है, तो आपका स्लाइड बहुत अच्छा होगा, तो आपका टाइमिंग बहुत अच्छा रहेगा और आपका जो माउथ ऑर्गन प्लेइंग है बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिए, वेसलिन इस्तेमाल कीजिए, यहाँ पे लगाना है आपको इस साइड में, और फिर सॉरी ये ऊपर साइड में और ये नीचे साइड में आपको लगा लेना है बजाने के पहले, ठीक है। आप इस विंटर सीजन में इसे इस्तेमाल कीजिए, देखिएगा आपका माउथ ऑर्गन प्लेइंग बहुत ही स्मूथ हो जाएगा और बहुत ही बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला टिप्स था, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और अच्छे टेक्निक टिप्स, जो आपके टेक्निक्स को और अच्छा करेगा और बेहतर बनाएगा। बाय बाय।